कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी हिंदू समाज पार्टी की नई अध्यक्ष घोषित की गई हैं। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या 18 अक्टूबर को लखनऊ में कर दी गई थी। इसके बाद किरण तिवारी ने अपने पति की जिम्मेदारी संभाली है। कमलेश तिवारी लखनऊ में थे, इसी दौरान उनसे मिलने का बहाना बनाकर अशफाक और मोइनुद्दीन कमलेश तिवारी के घर पहुंचे और चाकू मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद किरण तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरण तिवारी ने कहा कि मेरे पति का सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने की और मैं वो सपना पूरा कर रही हूँ। राजनीतिक दल वो बना के गए, राजनीतिक दल चलेगा, जैसे हम वो चलाना चाह रहे थे हम वैसे चलाएंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी, मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाऊंगी उनको। कमलेश तिवारी की पत्नी से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके पति की हत्या को लेकर बीजेपी नेता के ऊपर भी आरोप लगाए गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी नेता के साथ एक मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था और शक के आधार पर नाम लिया गया था। किरण ने योगी सरकार से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। सरकार से मेरी डिमांड है उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उनको जेल के अंदर रख के उनको मेहमान नवाजी मत करवाई जाए, और अगर वो सरकार उनके संविधान में नहीं है फांसी देना तो वो हमारे हवाले करें, हम अपने तरीके से उनको सजा देंगे। हालांकि किरण तिवारी ने योगी सरकार पर उनकी मांग ना पूरा करने और सुरक्षा में जानबूझकर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया। किरण का कहना है कि अगर कमलेश तिवारी को समय से सुरक्षा मिल जाती तो कमलेश की हत्या न होती। जो फतवा जारी किया था तिवारी जी के ऊपर, उनको जो पहले सजा दी जाएगी हो गई होती तो आज का ये इनको आज ये कदम ना उठाते, तिवारी जी की हत्या नहीं होती। और प्रशासन शासन की कमी थी कि उन्होंने पूरी तरीके सुरक्षा नहीं दी, तिवारी जी को सुरक्षा दी गई होती तो आज उनकी हत्या नहीं होती। शासन पूरी तरीके से लापरवाह था, नाका थाना पूरी तरीके से लापरवाही सुरक्षा नहीं दे रहा था। एक दिन पहले तिवारी जी से बात इंस्पेक्टर से हुई लेकिन उन्होंने कोई इस पे कार्रवाई नहीं की। इसी बीच हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्र महासचिव राजेश मणि त्रिपाठी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा कि जिस तरह कमलेश की हत्या के बाद वो नाच कर खुशी जाहिर कर रहा था, ये कायरता का प्रतीक है। कमलेश तिवारी जी की हत्या के बाद ये कायर ओवैसी नाच रहा था, इसको शर्म नहीं आई, और नाचना एक बात दर्शाता है कि इन जिहादियों में कमलेश जी का कितना बड़ा खौफ था। और मैं आप लोगों के माध्यम से ओवैसी को खुली चुनौती देता हूँ। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।